हेलो क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 5, दिल्ली। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिल्ली, लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ दिल्ली, ट्रांसपोर्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। ओके, then first step which you have to do in this chapter is what is the name of the capital of India। आप सभी को पता है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओके, लोकेशन एंड क्लाइमेट, लोकेशन क्या है दिल्ली की और कैसा यहाँ पर क्लाइमेट होता है। देखिए यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है, मैप में आपको ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, दिस इज दिल्ली। दिल्ली इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेट करता है। एंड इट इज सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन ईस्ट एंड बाय हरियाणा इन द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको ईस्ट साइड में यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। यस, और बाकी के जो साइड हैं यानी कि यहाँ इनका नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्टर्न पार्ट जो है वो तीनों ही साइड जो है वो हरियाणा से कवर है, और यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश से कवर्ड है। एंड नेक्स्ट, इन द ईस्ट एंड बाय हरियाणा इन द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट द रिवर यमुना पासेस थ्रू दिल्ली। और कौन सी रिवर यहाँ से पास करती है? यमुना रिवर। दिल्ली हैज टू मेन पार्ट्स। दिल्ली के टू मेन पार्ट्स हैं, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो टू पार्ट्स हैं यानी कि ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली, उसमें से जो न्यू दिल्ली जो पार्ट है वही इंडिया की कैपिटल है। दिल्ली एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, यानी कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर यहाँ का होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर। द समर सीजन लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून। जो समर सीजन है वो कब तक रहता है? अप्रैल से लेकर के जून तक का जो टाइम पीरियड होता है वो समर सीजन का होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड द रेनी सीजन लास्ट फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर। जुलाई से स्टार्ट होकर के सेप्टेम्बर तक रेनी सीजन रहता है। यू कैन एन्जॉय सम शावर इन द अदर मंथ एज वेल। इसके अलावा कुछ और महीनों में भी बारिश जो है हो सकती है। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये जो मंथ जो रेनी सीजन वाले हैं उनमें ही सिर्फ बारिश होगी, बाकी किसी मंथ में भी बारिश हो जाती है। द विंटर सीजन इन दिल्ली लास्ट फ्रॉम दिसंबर टू मिड फेब। जो सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं वो कब से होती हैं? दिसंबर से लेकर के मिड फेब तक जो है अच्छी वाली सर्दियाँ होती हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा चिल्ड जो है वो टेम्परेचर रहता है। कल्चर एंड ट्रेडिशन, इसके अलावा यहाँ पर यहाँ का जो कल्चर है वो कैसा है, यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की संस्कृति कैसी है। ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन दिल्ली विद इक्वल एक्साइटमेंट। पूरे कंट्री के जितने भी फेस्टिवल्स जो हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं पूरे ही एक्साइटमेंट के साथ। और यहाँ पर क्योंकि ये हमारे देश की जो कैपिटल है, इस वजह से अलग अलग स्टेट से भी लोग जो है वो यहाँ पर आकर के रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको अच्छे ऑक्यूपेशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर लोग जो है वो आकर के रहना स्टार्ट करते हैं। पीपल स्पीक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड वेरियस अदर रीजनल लैंग्वेजेस। क्योंकि अलग अलग स्टेट से वो लोग आते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी वो लोग यूज़ करते हैं। जो हिंदी इंग्लिश है वो तो यहाँ की कॉमन लैंग्वेज है ही,
इसके अलावा क्योंकि वो जो इनके नियर जो स्टेट्स होते हैं जैसे कि पंजाब, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो पंजाबी मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो पंजाबी और बाकी अलग रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं। पीपल वियर मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ जो लोग हैं वो तो काफ़ी मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस जो है पहनना प्रेफर करते हैं, और जबकि जो काफ़ी दूसरे स्टेट से जो लोग आए हुए होते हैं वो यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी वेयर करते हैं। उसके बाद छोले भटूरे, चाट, बिरयानी, दाल मखनी एंड बटर चिकन आर सम ऑफ द फेमस डिशेज ऑफ दिल्ली। जो यहाँ की फेमस डिशेज हैं वो कौन कौन सी हैं? छोले भटूरे स्ट्रीट जो साइड फूड हैं उनमें मैक्सिमम ये सारी चीज़ें जो हैं वो खाने के लिए फूड आइटम्स जो हैं वो मिलते हैं, जिसमें छोले भटूरे आते हैं, बिरयानी, दाल मखनी, बटर चिकन और भी काफ़ी सारी डिशेस जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। यहाँ पर आप पिक देख रहे हैं, दिस इज़ अंडरग्राउंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपकी मेट्रो ट्रेन। ओके, दिल्ली हैज़ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर बहुत ही अच्छा गुड ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इट हैज़ बसेस, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एंड टैक्सीज। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत अच्छे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पर, जिसमें आपके रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सीज सारी चीज़ें आती है। बिसाइड दिस इसके अलावा दिल्ली हैज़ ऑल्सो एन एफिशियंट मेट्रो सर्विसेज। यहाँ पर आपको मेट्रो ट्रेन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी जो है बहुत अच्छी सर्विस मेट्रो ट्रेन की रहती है। विच ट्रांसपोर्ट अराउंड 1.5 मिलियन ट्रैवलर्स इन अ डे, जो कि एक 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रैवलर्स को एक दिन में इधर से उधर पहुँचाती है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज वन ऑफ द मेन रेलवे स्टेशन इन दिल्ली। जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो मेन जो रेलवे स्टेशन है उनमें से एक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट हैं उनमें से एक है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली में। नाउ मॉन्यूमेंट्स, डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और इनको देख करके आप इजीली पता लगा सकते हो कि कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स के ये पिक्चर्स हैं और ये सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? दिल्ली में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इंडिया गेट। इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ्स फॉर द कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो इंडिया गेट है ये किसकी मेमोरी में बनाया गया था? वो सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर गंवा दी थी, उनकी याद में ये इंडिया गेट जो है वो बिल्ट किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल इज बिल्ट इन द शेप ऑफ लोटस फ्लावर। आप इसकी शेप से ही पता लगा सकते हो, जैसे लोटस का फ्लावर होता है ना, उसी तरीके से इसकी जो है वो शेप है, इसी वजह से इसको लोटस टेम्पल बोला जाता है। अराउंड द ब्लूमिंग पेटल्स आर द 9 पूल्स ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर आपको लोटस टेम्पल दिखाई दे रहा है, इस लोटस टेम्पल के चारों तरफ जो हैं वो 7 जो यहाँ पर पूल्स जो है वो दिखाई देते हैं, 9 पूल्स जो हैं, वाटर पूल्स जो हैं इसके चारों तरफ बने हुए हैं। नेक्स्ट जामा मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। इंडिया की जो सबसे बड़ी मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद जो है वो कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद। इट वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ। किसने बनाई थी? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट है द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने इसको कंप्लीट किया था, बनाया था। एंड इट हैज़ हाई एज अ 5-स्टोरीड बिल्डिंग। ये एक 5 मंजिला इमारत है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर द रेड फोर्ट इज अ ह्यूज फोर्ट मेड फ्रॉम द रेड स्टोन। जो यहाँ पर रेड फोर्ट है, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है
वो रेड स्टोन, क्योंकि आपको पता है कि ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रेड फोर्ट यानी लाल किला, तो वो किस स्टोन से बना था, रेड सैंड स्टोन से ये बना हुआ है, इसीलिए इसको रेड फोर्ट कहा जाता है। एंड इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ, और ये किसने बनाया था, शाहजहाँ ने। जबकि आगरा का जो रेड फोर्ट है, आगरा में भी एक रेड फोर्ट है अगर आपने देखा होगा तो, वो आगरा का रेड फोर्ट जो है वो अकबर ने बनाया था और दिल्ली का रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनाया था। नेक्स्ट है जंतर मंतर। जंतर मंतर वॉज बिल्ट बाई महाराजा जय सिंह ऑफ जयपुर इन 1724। 1724 में महाराजा जय सिंह जो जयपुर के राजा थे उन्होंने इसको बनवाया था दिल्ली में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से वहाँ पर जाते हैं और ये सारे मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अदर फेमस प्लेसेस इन दिल्ली आर द हुमायूं टॉम्ब। इन जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हमने अभी देखे उनके अलावा कुछ और भी फेमस प्लेसेस हमें देखने को मिलते हैं दिल्ली में, जैसे कि हुमायूं टॉम्ब, बिरला मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अक्षरधाम टेम्पल, सेंट जेम्स चर्च, ये सारी बिल्डिंग्स भी जो हैं, ये सारी जो मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भी हमें देखने के लिए दिल्ली में मिलते हैं। दिल्ली इज ऑल्सो हैज़ बिग एंड स्मॉल शॉपिंग सेंटर्स एंड वेरी मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स। और इसके अलावा काफ़ी छोटे और बड़े बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड नंबर ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स एंड प्लेस एरिया वेयर हैव बीन डेवलप्ड फॉर चिल्ड्रन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। इसके अलावा इस सिटी में बहुत सारे मनोरंजन के लिए बहुत सारे जो पार्क्स हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे डिफरेंट चिल्ड्रन कॉर्नर्स जो है वो हमें इस दिल्ली में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज। कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफिसेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। जो मेन जो मेजर ऑफिसेज जो हैं गवर्नमेंट की वो यहीं पर हमें देखने के लिए मिलती हैं न्यू दिल्ली में। इंडियन पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर ऑल्सो लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो हमारी भारतीय संसद है यानी कि जो हमारा पूरा देश जहाँ से सेंट्रल जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सारे अपने जो सत्र हैं वो कहाँ पर करती है, पार्लियामेंट हाउस में, जो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी हमें न्यू दिल्ली में ही देखने के लिए मिलती है। एंड द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसाइड इन न्यू दिल्ली। उनका जो निवास है वो भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ओके तो इसके अलावा देखिए बियॉन्ड बॉर्डर्स दिल्ली शेयर्स इट्स नेम विद अ टाउन इन न्यूयॉर्क एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर आपको देखिए की टर्म्स भी दिए हुए हैं, कैपिटल एंड अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क क्या होते हैं, लार्ज पार्क विद वेरी मैनी राइड्स एंड अदर एक्टिविटीज टू एंजॉय। बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन के लिए कुछ पार्क्स हैं जिसमें बहुत सारे राइड्स यानी कि झूले होते हैं और बहुत सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए भी, वहाँ पर एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड कैपिटल द सिटी यूजुअली फ्रॉम वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कंट्री फंक्शन। जो कैपिटल होती है वो कहाँ होती है, ज़्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस जो किसी भी देश की जो कैपिटल होती है वहीं पर ये देखने को मिलती है, पाई जाती है। ओके नाउ लाइक दिस योर चैप्टर इज फिनिश। इस तरीके से आपका चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।